नमस्कार मित्रों, आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर में, उस पर क्लिक करें। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे उसके बाद बेल का ऑप्शन आएगा, बेल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑल वाला, उस पर क्लिक करें। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है पीपल, हम लोग यानी यूजर। इसके बाद में आता है प्रक्रिया, यूजर द्वारा जो भी वर्क किया जाता है उसे बोलते हैं हम प्रक्रिया। इसके बाद में तीसरा पार्ट काम करता है सॉफ्टवेयर, और चौथा करता है हार्डवेयर, और उसके बाद में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हम डेटा। इस प्रकार सूचना प्रणाली हमारी काम करती है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड टेक्स्ट को इन करता है। इनपुट का मतलब क्या होता है, इन यानी अंदर, पुट यानी रखना, यानी जिसके द्वारा डेटा अंदर जाता हो उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट इन होता है। इसमें सबसे पहला बटन है एस्केप बटन, इससे किसी प्रोग्राम से बाहर आना हो तो एस्केप के द्वारा हम आ सकते हैं। अल्फ़ाबेट कीज, ए से लेके जेड तक, जीरो से लेके नाइन तक जो कीज होती है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज। इसके बाद में आता है टोंगल की। टोंगल की ऐसी जो अपने आप में सर्वे सर्वा हो, जैसे कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद में कैप लिखना शुरू हो जाता है, और ऑफ करने के बाद में स्मॉल लिखना शुरू हो जाता है। सेकेंड आता है नम लॉक, जिससे हम न्यूमेरिक की यूज ले सकते हैं। तीसरा आता है स्क्रॉल लॉक। इस टाइप से टोंगल की के तीन पार्ट हैं। फिर बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन की में अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, ऐसी की दूसरी की मदद से चलती हो, जैसे कंट्रोल ए, ये एक शॉर्टकट की हो गई। इस टाइप से काम करती है कम्युनिकेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं एरो या नेविगेशन की। किसी लाइन में ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट साइड में जाना हो, जैसे एमएस वर्ड में किसी फाइल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन में या लेफ्ट या राइट साइड जाना हो तो नेविगेशन की का यूज लेते हैं। इसके अलावा स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की होम की, एंड की, इंसर्ट की, डेल की, पेज अप, पेज डाउन, इस टाइप से कीज होती है। ये तो हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। अब बात करते हैं अपन पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस में सबसे पहला आता है माउस। माउस में तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन का यूज सेलेक्ट करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, या किसी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए, या ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज लेते हैं। राइट बटन किसी की शॉर्टकट की को यूज लेना हो, जैसे कट कॉपी, उसके लिए हम राइट बटन यूज लेते हैं। स्क्रॉल बटन पेज को अप और डाउन करने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज लेते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है टच पैड। ये भी माउस जैसे काम करता है, ये टच स्क्रीन के रूप में काम करता है। इसमें लेफ्ट राइट बटन नीचे के साइड होते हैं, उसके आगे एक चौकोर बॉक्स टाइप का होता है, उसे किसी एरिया से आप वर्क करते हैं, टच करते हैं तो उससे मूव हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट एज ए जोस्टिक टाइप का होता है। IBM का जो लैपटॉप है उसमें ट्रैक पॉइंट्स आते हैं। ट्रैक पॉइंट्स एक हैंडल टाइप से होता है, जिससे हम लेफ्ट राइट उसको एरो को घुमा सकते हैं, यानी कर्सर को घुमा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एज ए माउस के रूप में ही काम करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज होता है, इससे डेटा इन होता है। इसके बाद में ग्राफिक टैबलेट्स। टैबलेट्स में भी डेटा इन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैनर, इससे हम इमेज को स्कैन करते हैं। मिडी डिवाइस, MICR, OMR, OCR, बारकोड रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस, माइक, वेबकैम, बायोमेट्रिक मशीन, ETC, सभी इनपुट डिवाइसेज
होती है। बारकोड रीडर हम यूज लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस फ्रेश या बड़ी शॉप जैसे डीमार्ट उनमें, या कोई ऐसी शॉप होलसेलर उस टाइप से, या कोई शोरूम उसमें बारकोड रीडर का यूज लेते हैं। इसके अलावा हम जो एग्ज़ाम देते हैं, जैसे RSCIT का जो एग्ज़ाम होगा वो होता है ओमार पर। आप लोगों ने इंस्टीट्यूट में अटनेस लगाई होगी, अटनेस जिससे होती है उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक मशीन। इस प्रकार ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं जिससे डेटा इन होता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आउटपुट यानी डेटा को आउट करना, जो डिवाइस डेटा को आउट करती है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब, यह पुराने टाइम में चलता था, इसमें बहुत वजन भी है, इसके अलावा लाइट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसके बाद में बात करते हैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये पतली स्क्रीन होती है और इसका वजन भी कम होता है, लाइट भी कम कंज्यूम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी सेम LCD जैसी होती है। दोनों डिफरेंस है कि LCD से हम सामने देख सकते हैं और साइड से नहीं देख सकते हैं, और TFT में हम किसी दिशा से पिक्चर को देख सकते हैं। LCD में साइड से देखने पे धुंधली पिक्चर दिखाई देती है। फिर आती है LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये LCD में भी होती है और TFT में होती है, इससे लाइट कम कंज्यूम होती है और पिक्सल्स क्वालिटी भी अच्छी दिखाई देती है। सेकंड आता है आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर में सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स जो इमित्रा में यूज होता है, इसके अलावा पहले भी चलता था ही, इसमें खिट 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 की आवाज़ आती है, प्लस ये रिबन से चलता है, जो प्रिंट करता है रिबन के द्वारा करता है, डॉट डॉट में प्रिंट करता है, यानी प्रत्येक करेक्टर टू करेक्टर प्रिंट करता है। इसी टाइप से डिजिटल प्रिंटर होता है जो करेक्टर टू करेक्टर प्रिंट करता है। इसी में से आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में चैन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर होते हैं जो लाइन टू लाइन प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर, ये गीली इंक से प्रिंट करता है, ये कॉस्टली, इसकी जो प्रिंट होती है कॉस्टली पड़ती है। इसके बाद में हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर, ये लेजर बीम से प्रिंट करता है और इसमें पाउडर यूज होता है प्रिंट के लिए, इसकी कॉस्टिंग सस्ती होती है। और इंकजेट प्रिंटर में जो प्रिंट करते हैं वो गीली होती है प्रिंट, उसको थोड़ा सुखाना होता है, लेजर प्रिंट को हम डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। इसके बाद में थर्मल प्रिंटर, प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के लिए थर्मल प्रिंटर का यूज लेते हैं, एवं ये प्रिंट टेम्परेली होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोटर। फ्लोटर है जी प्रिंटर जैसा होता है, ये प्रिंटर से बड़ी साइज में प्रिंट करने के लिए यूज लेते हैं। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता के प्रिंट निकालने के फ्लोटर का हम यूज लेते हैं। इसके बाद में आता है स्पीकर, ध्वनि बाहर निकालने के लिए स्पीकर का यूज लेते हैं, जैसे अपन गाने सुनते हैं या ऑडियो आउट के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हेडफोन होता है, उसके लिए भी ऑडियो आउट के लिए यूज लेते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर है जो मॉनिटर का काम करता है, यदि किसी सेमिनार में या कहाँ प्रेजेंटेशन देना हो तो हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आउटपुट डिवाइसेज होती है जिससे डेटा आउट होता हो। हम बात करते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिससे डेटा इन भी होता है और आउट भी होता है। इससे पहले हमने बात की है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, अब हम बात कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट दोनों साथ साथ। जैसे फैक्स मशीन, फैक्स से डेटा इन होता है और डेटा आउट भी होता है, यानी हम फैक्स भेज भी सकते हैं, फैक्स रिसीव भी कर सकते हैं। सेकंड आता है MFD प्रिंटर,
ऑल इन वन प्रिंटर, जैसे लेजर प्रिंटर या ऑफिजेट प्रिंटर्स जिसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, दोनों वर्क एक साथ कर सकते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हम MFD प्रिंटर। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर आता है इंटरनेट टेलीफोन, यानी इंटरनेट के द्वारा जो हम चैट करते हैं या बात करते हैं उसे बोलते हैं हम इंटरनेट टेलीफोन। इस प्रकार मल्टी फंक्शन डिवाइस वर्क करती हैं, मीन्स इससे डेटा इन आउट दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी बेसिकली दो भागों में बांटी गई है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। इसके साथ साथ केस मेमोरी भी होती है जो एज ए प्राइमरी मेमोरी जैसे वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं फर्स्ट टाइम जो डेटा सेव होता है वो होता है रैम में। यदि आप वर्क कर रहे हो, लाइट चली गई, किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया हो तो आपका डेटा उठ सकता है। यदि आप डेटा को सेव करते हो तो वो सेव होता है सेकेंडरी डिवाइस में। इसी कारण से रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं रोम। रोम में पहला आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड होता है ईपी रोम, इरेजेबल पी रोम। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी, यदि हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव करते हैं वो सेकेंडरी डिवाइस में सेव होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर में वो होता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क 2 GB से स्टार्ट होती है और अभी TV में चल रही है। इसके अलावा FDD फ्लॉपी डिस्क, यह भी स्टोरेज के लिए यूज होती है। पहले जिप डिस्क भी चलती थी, वो भी स्टोरेज के लिए यूज होती थी। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD। ऑप्टिकल डिस्क में CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल, DVD रोम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD-R डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, DVD-RW DVD रिराइटेबल, DVD-R DVD रिकॉर्डेबल डिस्क। इस प्रकार ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके बाद में आता है वॉर्म डिस्क CD रिकॉर्डेबल डिस्क। इसके अलावा ब्लू रे डिस्क है। और सेकेंड डिवाइस में पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी होती है, इसे हम एक्सटर्नल डिवाइस भी बोलते हैं। स्मार्ट मीडिया कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड ETC यानी मिनी SD कार्ड, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। इसके अलावा हम इसे फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं और एक्सटर्नल डिवाइस भी बोल सकते हैं। हम बात करते हैं डिस्क कैपेसिटी। डिस्क कैपेसिटी मींस जो भी हम डिवाइस लगाते हैं उसमें कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में सबसे पहले जो फ्लॉपी डिस्क आई थी उसकी कैपेसिटी थी 512 KB यानी 512 KB। उससे जो अपर आई उसके बाद में आई 1.44 MB, उससे अपर जो आई है वो है 2.88 MB। जिप डिस्क, जिप डिस्क 100 MB से लेके 2 GB तक जिप डिस्क की कैपेसिटी होती है।
इसके अलावा हम बात करते हैं सीडी रोम। सीडी रोम में 650 से लेके 700 MB तक की कैपेसिटी होती है। कुछ सीडीज ऐसी भी आई है जिसकी कैपेसिटी 800 MB थी। इसके बाद हम बात करते हैं डीवीडी। डीवीडी कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक की होती है। फिर आता है ब्लूरे डिस्क। ब्लू डिस्क की कैपेसिटी 25 से 500 GB तक की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी होती है 2 GB से लेके 2 TB, अब तो शायद 4 TB भी आ गई है। जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो होती है हार्ड डिस्क की। इसमें कई क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे इनमें से सबसे कम कैपेसिटी वाली डिवाइस है, एग्जाम्पल सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीडी। तो इसी टाइप से कैसे भी क्वेश्चन पूछे, यदि आपको ध्यान है किसकी क्या कैपेसिटी है, तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। इससे कई क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, उसका हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी साइज। मेमोरी साइज में सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, यानी मेमोरी इकाई। 4 बिट से बनती है 1 निबल और 2 निबल से बनती है 1 बाइट। 1024 बाइट से किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट से गीगाबाइट। इस टाइप से मेमोरी साइज यानी मेमोरी इकाई होती है। मेमोरी को इससे नापा जाता है। इसी प्रकार टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ईटीसी मेमोरी साइज होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड। स्पीड नापी जाती है हर्ज में, जैसे 1024 हर्ज से बनता है गीगा हर्ज यानी किलो हर्ज, 1024 के हर्ज से बनता है मेगा हर्ज, 1024 मेगा हर्ज से बनता है गीगा हर्ज, और अभी जो चल रहा है कंप्यूटर्स वो चल रहे हैं गीगा हर्ज में। इस टाइप से हम स्पीड को नाप सकते हैं। धन्यवाद सभी मित्रों को। और भी वीडियो देखना हो आपको तो sshitjaipur.com/video_gallery.php या sshit.qsfind.com पे जाके भी देख सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दें, जिससे आगे और भी जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।